हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाल अगेन आप सबका हमारी नई वीडियो में भारत केमिस्ट्री क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो आप सब? तो आज एक बहुत ही ज्यादा स्पेशल वीडियो लेके आया हूं मैं आप सभी के लिए। मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में नॉर्मल क्लेचर एक ऐसा टॉपिक है जो श्योरली आता है, ठीक है। और उसमें तो सबसे मुश्किल नॉर्मल क्लेचर बच्चों को तब लगता है जब दो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इकट्ठे दे रखे हो, ठीक है। मतलब दो कोऑर्डिनेशन स्फीयर दे रखे हैं जिसमें दो सेंट्रल मेटल एटम है, तो ऐसे केसेस में नाम कैसे करें? मतलब बच्चों से ऑक्सीडेशन स्टेट ही कैलकुलेट नहीं होती है। और ये मैं बिल्कुल बेस्ट ट्रिक से बता दूंगा, इस वीडियो को देखने के बाद गारंटेड बोल रहा हूं कभी भी आपका नाम गलत नहीं हो सकता, ध्यान से समझना। एंड मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको नोमेनक्लेचर का बेसिक आता है, मतलब जो इसके अलावा बचा हुआ नोमेनक्लेचर वो आपको आता है। अगर आपको नहीं आता तो वीडियो का लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट सेक्शन में। बिल्कुल बेस्ट वीडियो है, 17-18 मिनट की है, कोई भी नाम कभी गलत नहीं होगा। अब चलते हैं इस पे। तो भैया इसके नाम को करने से पहले हमारे लिए जरूरी है एक चीज जान लेना कि जब कोई मेटल होती है उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है, या फिर जब वो लिगेंड्स के साथ लगी हुई है तो जिसको कोऑर्डिनेशन नंबर है उस टाइम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, क्योंकि हमारे लिए ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना ही मुश्किल है, बाकी सब तो बहुत आसान है। समझ रहे मैं क्या कर रहा हूं? जैसे अगर कोई 3D सीरीज की मेटल है और उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, वो कब होती है? जब वो 6 लिगेंड्स के साथ जुड़ी हो, जब कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6। याद रहेगा किसी भी मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी रहती है? +3 रहती है जब कोऑर्डिनेशन नंबर हो 6। इसके अलावा PT4 पॉजिटिव, प्लेटिनम 4 पॉजिटिव, पैलेडियम 4 पॉजिटिव, क्रोमियम 6 पॉजिटिव भी तब होती है जब कोऑर्डिनेशन नंबर हो 6। अब 3D सीरीज की मेटल्स की अगर मैं बात करूं +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यह कब होती है? कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो सकता है, 6 हो सकता है। प्लेटिनम 2 पॉजिटिव है, पैलेडियम 2 पॉजिटिव है, Ag2 पॉजिटिव है, ये कब होता है? जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। जिंक 2 पॉजिटिव है, Cd2 पॉजिटिव है, Hg2 पॉजिटिव है, ये कब होती है? जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। या फिर ये जो कोइनेज मेटल होगी Ag पॉजिटिव, Au पॉजिटिव, Cu पॉजिटिव, ये कब होती है? जब कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है। समझ रहे मेरी बात को? मतलब अगर कभी Cu दो लिगेंड्स के साथ जुड़ा हुआ है ना, तो इसका मतलब उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट उस टाइम कितनी है? +1 है। अगर कभी वो 4 के साथ जुड़ा हुआ, इस मीन उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +2 है। क्लियर होती है बातें? तो ऐसे आपको सबसे जरूरी है पहली बात ये याद कर लेना, 2 मिनट लगाओ, 3 मिनट लगाओ, इसको एक बार लिख के याद कर लो, ठीक है, फिर बहुत आसानी से हम इनका नाम कर सकते हैं। हो जाएगा याद कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है मतलब उस मेटल की 3D सीरीज की मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट उस टाइम कितनी होगी? +3 होगी। अगर ये याद हो गया तो चलिए एग्जांपल देखते हैं, पहले एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारे पास मेटल आ गई है PT। अब PT आपको दिखाई दे रही है कि कितनी इसका कोऑर्डिनेशन नंबर यहां पे कितना है? 4 है। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है यहां पे? 4 है। समझ लो, कंसेप्ट समझ लो, बहुत बढ़िया तरीके से हो जाएंगे सभी ना। कोऑर्डिनेशन नंबर अगर इसका 4 है, इट मींस इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी रही होगी? +2। और ओवरऑल अगर इसका चार्ज काउंट करोगे तो ये एक्स होगा, इस पे +2 दिखाई दे रहा है, ये तो क्या है, NH3, तो 0 हो जाएगा। तो टोटल इस सारे पे +2 आएगा। इस सारे पे अगर +2 है तो इस पे कितना आएगा? इस सारे पे कितना आएगा? -2 आएगा। समझ रहे हो बात? नहीं समझ रहे? इस सारे पे अगर +2 है तो इस सारे पे कितना आएगा? -2। ओके, इस सारे पे +2 कैसे आया? हमने चेक किया कि जो प्लेटिनम है, प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 कब होती है? जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। हमने देखा 4 लिगेंड जुड़े हुए, इट मींस इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पे +2 है। ओवरऑल इस पूरे पे चार्ज कितना आएगा? +2 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये तो 0 है, इस पे +2 है, तो ओवरऑल +2 आ गया, इस पे -2 आ गया, ठीक है। अब काउंट करो, अगर आप यहां से PT की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो, इस पूरे पे -2 आ गया ना, PT के लिए क्या होगा? या फिर आपको सिंपल पता भी है कि अगर 4 है तो इस पे 2 ही होगा, बट फिर भी अपने दिल को रखने के लिए आप काउंट भी कर सकते हो, तो इस पे +2 ही आएगा। PT को एक्स मानोगे, कितने हैं? Cl4 है, -1 है, = मैं अपने चार्ज पुट कर दिया -2, तो ये x4 -1, -4 उधर जाके +4, तो ये 2 ही आ गया। समझ रहे हो बात को? तो इसका नाम करो, क्या बोलोगे? इसका नाम निपटाओ, तो इसे बोलेंगे टेट्रा, क्या बोलेंगे? टेट्रा। और उसके बाद NH3 को क्या बोलेंगे? अमाइन, टेट्रा अमाइन। बेटा फोकस करो, बहुत सारे एग्जांपल है, टेट्रा अमाइन। PT को क्या बोलेंगे? प्लेटिनम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? प्लेटिनम, प्लेटिनम। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है इसकी? 2 है, ये दिखाई दे रही है आपको, 2। उसको थोड़ा सा गैप देंगे, इसका नाम करेंगे, इसका नाम क्या होगा? टेट्रा क्लोरिडो, टेट्रा क्लोरिडो। एंड PT को क्या बोलेंगे इस केस में? इस केस में हम इसे बोलेंगे प्लेटिनेट। क्या बोलने वाले हैं? प्लेटिनेट। क्यों प्लेटिनेट? क्योंकि ये आपको दिख रहा है कैनायनिक कंप्लेक्स है, ये कैटायनिक कंप्लेक्स है, कैटायनिक कंप्लेक्स का नाम पहले होता है प्लेटिनम, प्लेटिनेट। और यहां पे 2 आया, समझ में नहीं आया?
अगला देखिए कैसे है, सीयू को चेक करो, पीटी को चेक करो। अब सीयू का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, फोर दिखाई दे रहा है। कोऑर्डिनेशन नंबर किसे कहते हैं, नंबर ऑफ लिगेंड्स को, कितने लिगेंड्स है, फोर। पीटी के पास कितने लिगेंड्स है, फोर। मतलब अगर दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर हमें फोर फोर दिखाई दे रहा है, चलो सीयू का केस तो इतना ज्यादा क्लियर नहीं होता, पीटी का केस तो हमें क्लियर है कि अगर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर फोर है तो मतलब पीटी पे चार्ज कितना होगा। अरे बोल नहीं रहे भाई तुम, कितना होगा पीटी पे चार्ज, कितना रहा होगा, प्लस टू। अगर इस पे प्लस टू है, इस पे ओवरऑल कितना चार्ज आएगा, अगर इस पे प्लस टू चार्ज आ गया, इस पे प्लस टू चार्ज आ गया, ओवरऑल कितना आएगा, इस पे प्लस टू पता है, ये माइनस फोर, तो इस पे ओवरऑल पे कितना आएगा, माइनस टू आ जाएगा। और अगर ये माइनस टू है तो इस पे कितना चार्ज आएगा, प्लस टू आएगा। नहीं क्लियर हुई मैं क्या कहना चाह रहा हूं, पीटी का हमें पता है कि भाई पीटी पे कितना चार्ज आना चाहिए, प्लस टू। कैसे पता चला, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है फोर। अब इसका ओवरऑल देखो, जैसे हमें पता था यहाँ पे पीटी का प्लस टू होगा तो ओवरऑल निकाला था तो वो प्लस टू आया था, क्योंकि ये जीरो होता है इस पे चार्ज, इस पे माइनस फोर बनेगा और ये प्लस टू माइनस फोर कितना हो गया, माइनस टू। तो इस पे हमने माइनस टू चार्ज दिया, इसके पड़ोसी पे कितना चार्ज आ गया, अभी के लिए प्लस टू चार्ज आ गया। तो अब इसका नाम कर दो, क्या आएगा इसका नाम, ठीक है क्या हो जाएगा इसका नाम, इसका नाम होगा टेट्रा अमाइन, टेट्रा अमाइन। सीयू को क्या बोलेंगे, कॉपर ही बोलेंगे, कॉपर। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी, टू आएगी, निकाल के देख लो यहीं से, टू आ जाएगी। इसके बाद टेट्रा सीएल को क्या बोलेंगे हम लोग, क्लोरिडो, क्लोरिडो। और पीटी को क्या बोलेंगे, प्लेटिनेट। क्यों बोलेंगे प्लेटिनेट पता है ना, क्योंकि ये अनायनिक कम्प्लेक्स है, अनायनिक कम्प्लेक्स में मेटल का नाम चेंज हो जाता है, प्लेटिनेट, और यहां पर आ जाएगा टू। ठीक है बात, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नाम करना है। नेक्स्ट केस समझिए, AgNH3 समझ लो, इस पे दो, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर दो है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी दो है। अब Ag का कोऑर्डिनेशन नंबर अगर दो है, Ag के साथ अगर दो जुड़े हुए हैं लिगेंड्स, तो इस पे चार्ज कितना रहा होगा, समझिए बात को, कितना रहा होगा, इस पे प्लस है। किस पे भी कर लेना, इस पे कर लेना, इस पे कर लेना, किस पे कर लो, अगर इस पे प्लस है, इस पे ओवरऑल पे कितना आएगा, ओवरऑल पे कितना आएगा, NH3 दो है, टोटल जीरो हो जाएगा, तो मतलब इस पे ओवरऑल पे आएगा प्लस, इस पे कितना आएगा, इस पे आएगा माइनस। अगर इस पे प्लस है तो इसके पड़ोसी पे माइनस ही आएगा ना, इस पे ओवरऑल पे प्लस आ गया तो इस पे माइनस आ गया। यहां से अगर आप Ag की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लोगे, निकाल सकते हो ना, इसको एक्स मान लोगे, CN दो है, माइनस एक इक्वल टू माइनस वन, तो एक्स इक्वल टू कितना आ गया, बना जाएगा। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी कितनी आ रही है, प्लस वन ही आ रही है, या फिर ना भी करो, दिख रहा है दो दो है तो इनपे प्लस वन ही आएगा। इसका नाम कर दो, क्या आएगा, डाई अमाइन। ठीक है, Ag को क्या बोलते हैं, सिल्वर बोलते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई है, वन। इसके बाद इसको बोलें, इसका नाम क्या होगा, डाई। सीएन को क्या बोलेंगे, साइनिडो। और Ag को क्या बोलेंगे, अब की बार बोलेंगे अर्जेंटेट। क्यों बोलेंगे, क्योंकि एक अनायनिक कम्प्लेक्स है, तो इस पर चार्ज आएगा, अभी के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट तो प्लस में ही है, प्लस वन है। क्लियर हो गई, अगला केस समझो, जैसे पीटी है Cl2NH3 है, फोकस करना भी, मैं क्या करूं, पीटी Cl2NH3 है। अब आपको दिखाई दे रहा है कि पीटी ने क्या किया हुआ है, क्या किया हुआ है पीटी ने, पीटी का कोऑर्डिनेशन में कितना बना, सिक्स, दो चार छह ना, तो पीटी पे चार्ज कितना आना चाहिए, पीटी की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होनी चाहिए। जब पीटी का कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स है तो पीटी पे कितना होना चाहिए, प्लस फोर। कितना होना चाहिए भैया, प्लस फोर। इस पे प्लस फोर है तो इस ओवरऑल पे कितना बनेगा, बताना जरा, इस पे ओवरऑल पे कितना बनेगा, इस पे प्लस फोर हो गया, ये माइनस के दो, प्लस फोर और माइनस टू कितना हो गया, इस पे प्लस टू हो गया ओवरऑल पे, और यहां पे कितना आएगा, माइनस टू। ठीक है, इस पे कितना आ जाएगा, माइनस टू। पीटी पे कितना आया है, प्लस फोर। यहां से पीटी की ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी या नहीं आ जाएगी, बताइए, कर लोगे नहीं कर लोगे भाई, आसानी से हो जाएगी, कर दीजिए नाम अभी इनका, क्या करना है नाम में, मुश्किल क्या है, इन दोनों में से किसका नाम पहले आएगा, टेट्रा अमाइन, टेट्रा अमाइन, उसके बाद डाई क्लोरिडो, डाई क्लोरिडो। पीटी को क्या बोलेंगे, प्लेटिनम, क्या बोलेंगे, प्लेटिनम। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई हुई है, फोर आई हुई है, देख सकते हो कितनी आई है, फोर ना। और इसका नाम क्या होगा, टेट्रा क्लोरिडो। पीटी को क्या बोलोगे, प्लेटिनेट। नाम पता नहीं क्यों चेंज होगा, क्योंकि ये एक अनायनिक कम्प्लेक्स है। और ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है इस केस में, इसकी तो टू ही आ जाएगी, कैलकुलेट जब आप करोगे।
इसकी क्यों है टू? क्योंकि ये चार लिगेंड्स के साथ जुड़ा है, जब चार के साथ है तो इसकी प्लस टू होती है, ये छह के साथ है तो इसकी प्लस फोर होती है। इस तरह से आप बहुत आसानी से ऑक्सीडेशन स्टेट को भी याद कर सकते हो। तो यही है सिंपल सी वीडियो, कुछ भी समझ में नहीं आया इसको दोबारा देखो, ठीक है। अगर उस वीडियो को जो बेसिक है उसको अच्छे से देख लोगे, इसको अच्छे से देख लोगे, गारंटेड है गलत नहीं हो सकता, कोई सा भी एग्जांपल आप ट्राई कर सकते हो। चलिए, ऑल दी वेरी बेस्ट। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, शेयर जरूर करना अपने सभी फ्रेंड के साथ। बाय बाय।